हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं होमवर्क असाइनमेंट 5, वो है मॉड्यूल फर्स्ट। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, इसमें है नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर, रेवोल्यूशन के ऊपर एक जो है पैराग्राफ है और नैनो टेक्नोलॉजी के यूजेस बताए हुए हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो का मतलब है बहुत छोटा है, कोई भी चीज़ वेरी स्मॉल। और इसमें बताया है कि मतलब नैनो का मतलब ये है कि एक जो हमारा बाल होता है उसके भी बहुत छोटा, उससे भी मतलब उसका जो डायमीटर होता है उस नैनो चीज़ का, वो उससे कई मतलब हज़ार गुना बहुत छोटा होता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी के यूजर्स बताए हैं इसमें, और जो है आपके इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है समझने में इसलिए, और इसके जो मुश्किल इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं मैं आपको उनके मीनिंग्स बता देती हूँ, क्योंकि ये आगे भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं तो आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। तो जैसे कोई वर्ड आता है इसके अंदर, जैसे ये है मैलिग्नेंट है वर्ड, तो मैलिग्नेंट सेल जो है ज़्यादातर कैंसर सेल्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो कैंसर बॉडी में हो जाता है उसके लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड। और जो कोई वर्ड मुश्किल है मैं आपको बताती हूँ, मॉर्फ है ये। देखो यहाँ पर है मॉर्फ टू प्रोवाइड कैमोफ्लेज, तो मॉर्फ टू प्रोवाइड कैमोफ्लेज का मतलब तो आपको पता होगा कैमोफ्लेज क्या होता है, जैसे वो जो गिरगिट रंग बदल लेती है तो ना होता है ना उसमें रंग बदल लेना, तो इसी तरह से जो है इसमें मॉर्फ टू प्रोवाइड कैमोफ्लेज का मतलब है कि एक ऐसे तुम डेवलप करो, एक नई अपीयरेंस डेवलप करना, टू डेवलप अ न्यू अपीयरेंस, मतलब अपनी इमेज को क्या कर देना, मतलब या तो हम जैसे कंप्यूटराइज से एनिमेशन से चेंज कर देते हैं, तो हम उसको क्या कर देना, चेंज कर देना। और कुछ ऐसे ही वर्ड हो कोई अगर, हाँ एक वर्ड और इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है यहाँ पर मोराटोरियम। मोराटोरियम का मतलब होता है कि अगर हम किसी एक्टिविटी को थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर देते हैं या क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, तो उसे कहते हैं मोराटोरियम। और इसके बाद जो हमेशा प्रीपोजिशन यूज़ होगा वो मोराटोरियम ऑन। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कहीं भी हो सकता है लैंग्वेज के पेपर में, आपके ग्रामर के पेपर में कहीं भी यूज़ होता है, तो मोराटोरियम ऑन बोला जाता है। जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन, ऐसे ऑन योर सक्सेस, तो ऑन का यूज़ होता है इसके बाद, ठीक है ना, प्रीपोजिशन ऑन यूज़ होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। देखो पहला है यहाँ पर इन फॉर द ऑथर्स पर्पस टू इन रिमार्किंग दैट नैनो टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट अ मोबाइल फोन फॉर एंड एंड, तो वो कह रहे हैं कि एंड के लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी एक मोबाइल फ़ोन क्रिएट कर सकती है। तो इससे ऑथर क्या दिखाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू टेल दैट नैनो टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट वेरी माइन्यूट डिवाइसेस, कि नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम बहुत छोटे छोटे डिवाइसेस भी बना सकते हैं। तो एंड जो होती है बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो उसके लिए हम जो है मतलब उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, माइन्यूट डिवाइसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ अ टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड कटिंग एज, कटिंग एज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एडवांस्ड कोई चीज़ हो जाती है तो उसको कहते हैं कटिंग एज। नेक्स्ट है व्हेन एनी मटेरियल इज रिड्यूस्ड टू नैनो डायमेंशन, नैनो डायमेंशन मतलब बहुत छोटा बना दिया जाए अगर किसी चीज़ को, तो उसके देखो पीछे आंसर दे रखा है कि देयर आर ड्रास्टिक चेंजेस इन इट्स फिजिकल केमिकल मैग्नेटिक ऑप्टिकल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो ये सब चेंजेस जो हैं आते हैं। नेक्स्ट है नैनो टेक्नोलॉजी कैन बी अ बोन फॉर सर्जन्स इन द सेंस दैट, बून का मतलब ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है नैनो टेक्नोलॉजी। तो क्या दे रखा है इसका आंसर, दैट इट कैन क्रिएट सेंसर्स, तो सेंसर्स टू रीच आर एरियाज वेयर द सर्जन्स हैंड्स कैन नॉट एंड रिपेयर डैमेज्ड एंड डिजीज्ड टिश्यूज। नेक्स्ट को बायोचिप्स मेड ऑफ नैनो सेंसर्स कैन, तो बायोचिप्स मेड ऑफ नैनो सेंसर्स कैन, पहला इसमें आएगा ऑप्शन बी, बी इंसर्टेड इन टू ह्यूमन बॉडी टू ट्रीट डिजीज्ड सेल्स। नेक्स्ट देखो इसके बाद आता है सिलेक्ट द ऑप्शन, तो देखो अब ऑप्शन है जो हमारा पैराग्राफ 3 है उसमें कह रहे हैं अकॉर्डिंग, इन पैराग्राफ 3 के अकॉर्डिंग में जो सीरीज वाइज आपके बता रखे हैं, तो वो है हमारा ऑप्शन 3। या आप अपने आप से पहले पैराग्राफ को करना, फिर उसके बाद मेरे आंसर से टैली करना, क्योंकि इससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट देखो,
लिस्ट फोर डिस्टिंक्ट क्वालिटीज ऑफ नैनो मटीरियल्स. तो अलग अलग क्वालिटीज के हैं दैट मेक देम एक्सलेंट चॉइसेस फॉर मल्टीपल एप्लीकेशंस. तो उनकी क्या क्वालिटीज होती है नैनो मटीरियल्स की. नैनो मटीरियल्स आर जो दे रखा है वही मैं आपको बता रही हूँ. अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ लिखना है लाइट स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंट एंड वेरी माइन्यूट. ये चार क्वालिटीज़ दे रखी हैं जिससे इनके मतलब इनके मटेरियल्स की ये क्वालिटीज़ होती हैं कि ये बहुत लाइट होते हैं स्ट्रॉन्ग भी होते हैं ट्रांसपेरेंट एंड वेरी माइन्यूट और बहुत छोटे होते हैं. नेक्स्ट देखो लिस्ट वन वे इन विच नैनो टेक्नोलॉजी कैन रेवोल्यूशनाइज कंप्यूटिंग साइंस. तो इसका भी आंसर डायरेक्ट ही है कि इट मे लीड टू स्मॉलर और मोर पावरफुल माइक्रोचिप्स विद इंक्रीज्ड कैपेसिटी एंड ड्रामेटिक रिडक्शंस इन हार्ड डिस्क साइज. नेक्स्ट देखो अब आगे दे रखा है इन इन्वेस्टिंग. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इन्वेस्टिंग अगर हम जो है इज इन्वेस्टिंग मनी इन नैनो टेक्नोलॉजी फॉर मिलिट्री पर्पसेस जस्टिफाइड. क्या ये जस्टिफाइड है कि हम मिलिट्री में इसमें इसका यूज़ करें नैनो टेक्नोलॉजी का. तो ये हम अगर आंसर देते हैं येस तो हमें उसकी अच्छाइयाँ ही बतानी पड़ेंगी. तो हम अगर हम ये लिखते हैं येस येस इट इज़ जस्टिफाइड बिकॉज विद द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी वी कैन मेक लाइट वेट इक्विपमेंट्स विच विल बी वेरी ईजी टू कैरी एंड बुलेट प्रूफ बैटल सूट्स कैन बी मेड. जो नैनो टेक्नोलॉजी से बुलेट प्रूफ सूट्स भी बना सकते हैं विच विल सेव आवर सोल्जर्स. नेक्स्ट देखो ऑन वॉट ग्राउंड्स इज नैनो टेक्नोलॉजी बींग क्रिटिसाइज. तो किस बात पर क्रिटिसाइज की जा रही है. बिकॉज ऑफ इट्स अननोन रिस्क. क्योंकि हमें इसके रिस्क नहीं पता. अगर हमने यूज़ कर दिया तो हमें इसके रिस्क नहीं पता. अननोन रिस्क टू हेल्थ एंड एनवायरमेंट. नेक्स्ट है लिस्ट टू स्टेप्स दैट आर नीडेड अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ फाइव. तो देखो इसको कह रहे हैं कि अगर हमें इसको करना ही है तो हमें क्या करना चाहिए. पहले नंबर पर रिसर्च जो है शुड बी मेड. पहले तो रिसर्च करनी चाहिए अबाउट द किसके बारे में कि इसके जो टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं नैनो पार्टिकल्स के. टॉक्सिकोलॉजिकल मतलब टॉक्सिक कहते हैं पॉइजनस. तो इसके क्या पॉइजनस इफेक्ट हो सकते हैं हमारे नैनो पार्टिकल्स के. और दूसरे नंबर पर रेगुलेशंस होने चाहिए. रेगुलेशंस शुड बी मेड टू कंट्रोल देम. कि रेगुलेशंस होने चाहिए इनको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ रूल्स होने चाहिए. चूज ऑप्शन दैट लिस्ट द ओनली पैराग्राफ दैट डज नॉट टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी. तो पैराग्राफ फाइव में तो इसका मतलब क्रिटिसाइज किया गया है कि इसको ऐसे यूज़ नहीं करना. तो पैराग्राफ फाइव यूजेस नहीं है उसमें. थर्टींथ में है जो है वो कह रहे हैं मोराटोरियम जो वर्ड है इसके लिए कोई आप ऐसा वर्ड बताओ. वन वर्ड तो मैंने बताया आपको टेम्परेरी हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो सस्पेंड कर देते हैं. तो हम इसके लिए सस्पेंशन लिख सकते हैं. पोस्टपोन्ड भी लिख सकते हैं. डिले भी लिख सकते हैं. ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स.